भी बढ़िया। आप सब कैसे? बढ़िया, चकास मस्त। हमारा ये ब्लॉग बड़ा धमाकेदार जबरदस्त होने वाला है। ये ब्लॉग में अब आपको दिखाएंगे दिनेशपुर और टाटा मोटर्स। इस बार हमने शूट नहीं कर पाया था गाइस, तो इस बार हम शूट करेंगे जहाँ तक कि टाटा मोटर्स, क्योंकि उस बार हमारी कुछ गलतियाँ थी जिसके चलते हमने शूट नहीं कर पाया। और ये ब्लॉग हमारा जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ब्लॉग में आपको दिखाएंगे हम कहाँ की कुछ फेमस है खाने वाली हो वो दिखाएंगे गाइस। और आज हमारा एकदम ऐसा दिन जाने वाला है झकास झकास, एकदम मस्त इन फंटास्टिक। और हमारे सलीम भाई आपको ट्रीट करेंगे। मैं क्या ट्रीट करूंगा, बस अब ये है कि हम लोगों ने जो हम नानक माता गए तो वाला ब्लॉग भी आप फटाफट जाकर देखना। थोड़ा बहुत ज्यादा ही बनाया, थोड़ा छोटा मोटा वीडियो बनाया हम लोगों ने, उसे फटाफट जाकर देखना और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और क्योंकि मैं ये बताऊंगा ब्लॉग हमारा आज का ऐसा होने वाला है कि हम बोरियत हो रहे थे घर में बैठे बैठे, थोड़ा घूम के आना चाहिए बहुत मस्त तरीके से झकास। और आपको दिखाते हैं, हम चलते हैं वीडियो में, हमारे साथ बने रहिएगा। और फटाफट से हम आपको दिखाते हैं अभी टाटा मोटर्स की कंपनी। हाँ भाई, आप दिखाएंगे ना? हाँ ओके, आपको दिखाते हैं टाटा मोटर्स की कंपनी। और ज्यादा दूर भी नहीं है, पीछे जो है बाउंड्री जो खड़ी है ना, यही है यहाँ स्टार्टिंग। सो गाइस, हमारे भी टाटा मोटर्स का आ गया पहला गेट, आपको दिखा रहे हैं। ये पहला गेट है टाटा मोटर्स का और ये यहाँ पे ओनली ट्रक का आवागमन रहता है, ओनली ट्रक से माल लोडिंग अनलोडिंग रहता है। और आपके साथ आपको हम दिखाते हैं दूसरा गेट टाटा मोटर्स की गाइड, जो उसी रोड पे है। और टाटा मोटर्स ये रतन टाटा की फैक्ट्री है और ये टाटा की यानी मैजिक हो गया और तुम्हारा ट्रक हो गया, बस दो ही शॉप बनाती है यहाँ पे, लोडेड गाड़ियाँ बनाती है गाड़ी गाइस ये। और ये देखो टाटा मोटर्स का दूसरा गेट आ रहा है जहाँ से वर्कर आउट और इन करते हैं, यहाँ से पूरे सब वर्कर जाते हैं गाइस। आपको दिखाते हैं हम, ये पूरे वर्कर जा रहे हैं यहाँ से। और ये देखिए पूरी कितना बड़ा टाटा वो गेट है और ये सब बैठे हुए हैं। और ये क्या कहते हैं गाइस, तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, ये रही दो गेट दिखा दिए आपको हमने। अब हम दो गेट आप लोग दिखा दिए थे हम लोगों ने, अब हम जा रहे हैं तीसरे गेट पर। तो आप देख सकते हैं पिछली बार हमारा जो ब्लॉग था यहाँ पर शूट नहीं हो पाया था किसी कारण में, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए गाइस, ये यहाँ पे नर्सरी जो यहाँ बनाया गई है पेड़ पौधों के लिए। और आगे भी एक और गेट है, हम आपको दिखाते हैं, चलते हैं फिर आराम आराम से। ये गाइस देखिए आप लोग, अब देख सकते हैं कितनी। और देखिए गाइस यहाँ पर ये मछलियों के लिए पालन भी है और यहाँ पानी वानी रखा गया है, यहाँ पर सब लोग अच्छे प्रकार कराते हैं। गार्डन टाइप का बनाया गया है, रतन टाटा जी ने बनवाया यहाँ पर ये। और आगे इसके वो खड़ी है मैजिक वैजिक। और आप देख सकते हैं इसका सेकंड गेट भी आने वाला है, बस देखिए कितने प्यारा सा गार्डन इन्होंने बनवा रखा है यहाँ पर, एकदम बढ़िया से। चल चलो मैं भाई आगे खड़ा था, आप देख सकते हैं तालाब दिखा दिया जी, तालाब दिखा दिया मैंने, तालाब वाला आप सब देख लिया भाई। आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स ये जो है यहाँ पर भी एक गेट है, ये मेन गेट है इसका और यहाँ से ओनली परमानेंट वर्कर के लिए अलाउड है ये गाइस। देख सकते हैं आप, ये मेन गेट है और यहाँ पे सिर्फ अधिकारी लोग यहाँ से आना जाना करते हैं। देख सकते हैं कितना लंबा रोड है यहाँ से पूरा अंदर तक का। और यहाँ का ये मेन ऑफिस है जहाँ पे लोग बैठते हैं गाइस। अब चलते हैं फिर थोड़ा आई के लिए आप लोगों को दिखाते हैं। लोगों, ये रहा टाटा मोटर्स का मेन गेट जहाँ से लोग जो अधिकारी होते हैं बड़े बड़े परमानेंट, वो यहाँ से आना जाना करते हैं। देख सकते हैं आप लोग कितना बढ़िया यहाँ पर ये। और थोड़ा आपको दिखाते हैं हम आई के लिए, मतलब थोड़ा सा चलेंगे आप हमारे दर्शकों को देखना है थोड़ा सा, बस थोड़ा दूर देखने में बड़ा मजा आ रहा है। अब चलते हैं थोड़ा आई के लिए टाटा मोटर्स कंपनी। वो गार्ड अंकल हम लोग थोड़ा घूर के देख रहे थे, लेकिन बहुत बढ़िया रहा। देखिए फैक्ट्री में जो मजा है देखने में यार, वो मजा किसी और फैक्ट्री में, मुझे ये फैक्ट्री बहुत बेस्ट लगी। और देख सकते हैं कितने लंबे लंबे रूट यहाँ पे बढ़िया करके बनाते हैं लोग। ये नई पीडीआई यहाँ पर, ये न्यू ऑफिस है यहाँ पर बनाया गया है पूरा अच्छे से। अब हमारे आगे आने वाला है कौन सा है, ये पत्र चेटा और ये जो है आम का। आप देख सकते हैं हमारे सामने आ चुके हैं चीकू के बाग, कितने लहराते हुए एकदम बढ़िया बढ़िया सुंदर बाग। और सामने है आम के पेड़ और यही से मेन हाईवे गया है यहाँ से पूरा हम लोगों का जाने के लिए। देख सकते हैं आप कितना बढ़िया है, और चीकू भी इसमें आ भी चुके हैं और बहुत बढ़िया मीठे मीठे चीकू आपको दिखाते हैं। चीकू आ चुके हैं एकदम बढ़िया चीकू, यहाँ पे खाने लायक भी बहुत बढ़िया है और यहीं से लोग बेचते हैं। वो आप देख सकते हो वहाँ पर बेच रहे हैं लोग चीकू से कर रहे हैं वहाँ पर, यहीं से हम लोग पूरा पेड़ पालते हैं, अपना आमदनी पूरा करते हैं गाइस यहीं से पूरा अपने अच्छे से। तो चलते हैं फिर थोड़ा आई के लिए और यहीं से थोड़ा बहुत आगे एक मंदिर भी है। तो आए हम लोग
आ चुके हैं दिनेश्वर बाबा रोड पर। देख सकते गाइस कितना बढ़िया रोड यहाँ पर इन लोगों ने अपना कर रखा है यहाँ पर, और साइडों से कितना इन लोगों ने बढ़िया पेड़ पौधे से बना रखा है। और ये रही यहाँ पे थोड़ा बस जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का माल यहाँ पे खड़ा होता है, और बढ़िया एकदम चलते हैं थोड़ा आइडिया लिए कि पेड़ी पेड़ी क्यारियाँ बनी यहाँ पे, पेड़ पौधे लाइन से लगे हुए हैं। फाइनली हम लोग अशोका जो यहाँ पे जो ट्रक व्रक बनते हैं जो बनते हैं वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। हम लोग दिखाते हैं आपका पहला गेट, चलो फिर आ चुका है आगे दिखाता हूँ हम लोगों को मैं। इतना बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग और यहाँ से इसका मेन गेट, यहाँ पे सभी अधिकारी की गाड़ी यहाँ पे खड़ी रहती है, और देख सकते हैं आप लोग कितना बढ़िया फैक्ट्री है पूरा आगे तक की, पूरा अच्छे से नाम भी अच्छे से बना दिया गया है। और यही पूरी बाउंड्री आगे तक की, यहाँ पे बड़ा वर्कर लोगों की गाड़ियाँ खड़ी होती है यहाँ पर चलते पढ़ाई के लिए। सो गाइस अब हम तो दिखा रहे हैं दिनेशपुर 7 किलोमीटर है यहाँ से, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, ये दिख रहा है इसमें लिखा हुआ है साफ साफ 7 किलोमीटर दिनेशपुर, और हम दिनेशपुर वाले रोड पे आ चुके हैं। और हम आपको दिखाते हैं गाइस, ये देखिए हम हाईवे पे जा रहे हैं, और ये हाईवे से 7 किलोमीटर दूर है यहाँ से दिनेशपुर, और सलीम भाई हमारे राइडिंग कर रहे हैं यानी बाइक चला रहे हैं, और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, कैमरामैन मनोज और बाइक राइडिंग करने वाले सलीम। तो गाइस हम आपको दिखा रहे हैं आगे, आपको वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाएंगे और इंटरेस्टिंग ब्लॉग हमारा होने वाला है आज का ये, और एक से एक अच्छी अच्छी जगह दिखाएंगे गाइस आपको। ये देखिए गाइस भरपूर छर्राटे तरीके से रोड चलता हुआ, एकदम धन्नाटे से भरा हुआ रोड चलता हुआ, और ये रोड एकदम यहाँ पे HP का पेट्रोल पंप आता हुआ गाइस, सॉरी अशोका के सारे ट्रक खड़े हुए हैं, और ये इसका प्रोडक्शन वहाँ पे नहीं हो पाया भरपूर, तो उन्होंने यहाँ खड़े कर दिए हैं सारे ट्रक, ये अशोका के हैं गाइस, ये अशोका की ज़मीन है। तो गाइस देखिए आप हमारे बीच में हरे भरे खेत आते हुए, एकदम ऐसे खेत आते हुए जैसे कि दिल में हलचल सी मस्ती हुई, एकदम वीरान सी सन्नाटा नहीं छाया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ऐसा हो रहा है कि मन में उमंग आती हुई है। और एक चीज देखिए गाइस, ये प्रभा वॉकिंग टू वे ये कोई कंपनी है गाइस, और यहाँ पे एक हम आ चुके हैं काली नगर की मार्केट में, आपको दिखाते हैं चारों साइड भरी भरी है, और ये काली नगर की मार्केट है, और अभी हम दिनेशपुर नहीं पहुंचे हैं, दिनेशपुर यहाँ से गाइस 5 किलोमीटर दूर रह चुका है, आपको दिखा रहे हैं ये पूरी हरी भरी मार्केट है दिनेशपुर सॉरी काली नगर की। ऑब्वियसली आज की जो हमारी एक्टिविटीज है सब आपको हम दिखाएंगे, जो जहाँ हम जा रहे हैं ज़्यादा घूमने जो भी है आपको सब दिखाएंगे, जो हमारी ऑब्वियसली एक्टिविटी आज की जो एक्टिविटी है हम आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारी स्टूडियो में। आपको दिख रहा है यहाँ पे ये दिनेशपुर की सीमा में हम प्रारंभ कर चुके हैं, और आपको दिनेशपुर हम अंदर घुसते आपको दिखेंगे। देखने में भी काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी जगह भी है, अभी दिखा थोड़ा बहुत हम लोग आपको, और अभी हम चलते थोड़ा आए के लिए। और सो फाइनली हम लोग दिनेशपुर की मार्केट में तो पहुंच चुके हैं यार, लेकिन हम लोगों को अभी ये अल्लाह है कि हम लोगों को